हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। भाई ये वीडियो है जो हमने एक हफ्ते पहले आप लोगों से बात किया हुआ है कि हम एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम आपसे क्वेश्चन करते हैं और आप जो है आंसर देंगे। ओके, तो सॉरी यार, उसके लिए मुझे खुद टाइम नहीं मिल पाया। बाय द वे, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि हाँ सर हम भी रेडी, लेकिन उसके लिए आई एम सॉरी यार, मैं ही थोड़ा टाइम वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी और टाइम ही नहीं मिल पाया। तो देखिए, जो हमारा सेशन था उसमें सेशन में हम ये करने वाले हैं कि ये वो क्वेश्चन मैं करूँगा जो जो बाहर से, यानी जो इंटरव्यूअर आपसे आके पूछते हैं, यानी जो जो 90% जो विदेश से क्वेश्चन आके आपसे पूछे जाते हैं, यानी जब आप सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान कहीं भी जाएंगे, कोई भी गल्फ कंट्री जाएंगे, तो उनसे जो वो लोग क्वेश्चन करते हैं, और स्पेशल ये वही क्वेश्चन होंगे जो चिलर से रिलेटिव, मैक्सिमम 90% चिलर से रिलेटिव, क्योंकि आने वाले टाइम में जो चिलर की बहुत डिमांड होने वाली, क्योंकि हजारों स्प्लिट एसी को संभालने के लिए एक चिलर ऑपरेटर ही बहुत काफ़ी होता है, ठीक है। और फिर उसके जो बहुत से बेनिफिट होते हैं चिलर के, वो चीज़ मैं अलग टॉपिक में आपको बता दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको केवल ये चीज़ बताऊंगा कि ये वही क्वेश्चन होंगे जो 90% आपसे मैच करें जब आप इंटरव्यू देने जाएं, तो उसमें जो प्रिपेयर होके जाएं, यानी एक अच्छी तरह से, एक लगे कि हाँ बंदा कोई आया है देने इंटरव्यू, ठीक है, आप मतलब खुद को ऐसा जो तैयार कर लीजिए उसमें। तो ये वही क्वेश्चन होंगे। बाय द वे, मैं एवरीडे अभी मैं ट्राई करूंगा, हर वही क्वेश्चन करूंगा, और आप 24 घंटे के अंदर वो चीज़ आंसर देंगे। अगर 24 घंटे के अंदर आप नहीं दे पाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना होइए, 24 घंटे बाद हम खुद दे देंगे, लेकिन आपके पास 24 घंटे होंगे ताकि आप ढूंढ के निकालिए उसको। अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो आप ढूंढ के निकाल लेंगे ये चीज़ कहीं ना कहीं से। ओके, आप गलत बताएं सही बताएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी दीजिए, एक दो आंसर 100% दीजिए आप, ठीक है। तो इससे ये रहेगा आप बेनिफिट कि आप अगर कहीं बाहर जाएंगे, यानी अगर कोई आंसर देखने जाएंगे कि हाँ चलिए ठीक है, आपने गूगल ही खोल दिया, तो उससे रिलेटिव जब आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे ना गूगल से, तो उसमें 2-3 आंसर आ जाते हैं। बात समझें कि आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाएंगे, आपको और भी दिख जाएंगे, उससे आपकी स्किल में फ़ायदा होगा, यानी आपका जो काम है ना उसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि हाँ चलिए आप एक दो क्वेश्चन के आंसर और भी आप जान गए। तो ये चीज़ मैं उस चीज़ के लिए, ये सेशन के लिए ये चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बाय द वे, अभी मैं एवरीडे ये चीज़ के लिए ट्राई करता हूँ। तो चलें अब जो बात करते हैं इस चीज़ के लिए कि देखिए, जो हम सेशन में फर्स्ट में ही आपसे एक क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी सेफ्टी ऑफ चिलर, तो उसमें कमेंट में भी, बाय द वे 24 घंटे के अंदर भी बहुत से कमेंट आ गए थे, हाँ सर ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी। देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है वहाँ पे रिप्लाई दिया, बहुत अच्छे कमेंट दिए, वेरी नाइस। हाँ, लेकिन जो आपने, जैसे किसी ने जो है हम 10 सेफ्टी बताई, किसी ने 12 सेफ्टी बताई, देखिए पहली चीज़ याद रखना, जब भी आप 10 से 12 सेफ्टी किसी चीज़ को, अगर सामने वाले ने, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप सेफ्टी बताइए, आपने 12 सेफ्टी बता दी, तो वो 12 सेफ्टी में घुसता चला जाएगा, ये चीज़ सेफ्टी है तो ये चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ ऐसे हो गया तो चीज़ कैसे होगा, बात समझें, वो आपको जो फंसा देगा उस चीज़ में। तो आप सेफ्टी बताइए, जो मोस्टली सेफ्टी है वो आपकी 6 से 7 है, इससे ज़्यादा नहीं बताने का। वही कहते नहीं हम लोग कि खाना कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, मतलब खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम खाओ, अभी कहने मतलब ज़्यादा खा लिया और वो खाना पचेगा नहीं तुम्हारे पेट में, तो फ़ायदा क्या इतनी ज़्यादा सेफ्टियाँ बता के। बाय द वे, आई अप्रिशिएट यू कि आपने इतनी ज़्यादा, हाँ जो मेहनत करके ही आपने सेफ्टी बताई, आई अप्रिशिएट यार, लेकिन देखिए आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा जाएंगे ना, वो सामने वाला घुस जाएगा, यानी जो आपका जो है ये इंटरव्यूअर रहेगा ना, आप कहेंगे जो है पावर फेलियर ऐसे हो रहा है, हमारा फेस सिक्वेंस ऐसे हो रहा है, तो वो घुस जाएगा, वो ये कहेगा कि ये कैसे होगा, ये ऐसा होगा तो कैसे होगा, बात समझे ना। तो देखिए, जो मोस्ट सेफ्टी है वो चीज़ आप चाहे रट मार लीजिए, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ ये चीज़ ध्यान से सुनना, ये चीज़ आप जो है ना एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए और माइंड के अंदर एक स्क्रू लगा के टाइट कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात, आपको एक्स्ट्रा नहीं बतानी, एक्स्ट्रा बताएंगे तो आप फंस जाएंगे फिर। तो पहली सेफ्टी याद रखना, ये चीज़ चिलर से है, ठीक है। पहली सेफ्टी जो होगी आपकी, लो टेम्परेचर, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, पहला है लो ल्यूब ऑयल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा है हमारा एलपी, यानी समझ लेना लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, चाहे कोई भी फ्रिज से लेके आप सेंट्रलाइज प्लांट तक देख लीजिए, उसमें एलपी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सेफ्टी हमारी। तीसरा है हमारा एचपी,
HP यानी हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट। जैसे ही हमारा लोड पे जाता है चिलर, तब हमारा हाई प्रेशर आता है। जैसे ही हमारा चिलर अंडर लोड होता है, तब हमारा लो प्रेशर आता है। ठीक है, यानी जब हाई लोड पे जाएगा तो हाई प्रेशर, लो लोड पे आएगा तो लो प्रेशर। तीन हो गई। चौथी सेफ्टी है हमारी वाटर फ्लो स्विच। वाटर फ्लो स्विच का काम यह होता है कि हमारे वाटर को मेजरमेंट करना। ठीक है, ये अलग अलग सारी सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिंक है। फोर्थ हो गया हमारा वाटर फ्लो स्विच। फिफ्थ है हमारा एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज, ठीक है, एंटी फ्रीज के बारे में अगर नहीं पता, उसकी भी लिंक में वीडियो, वो देख लीजिए। सिक्स्थ है हमारा, जो बच्चों ने मेंशन नहीं किया, 90% आपने कमेंट बहुत अच्छे किए, सिक्स्थ में आपने ये सेफ्टी मेंशन ही नहीं की, जो है एंटी सर्ज। तो याद रहे, 90% इंटरव्यूअर पूछेगा अगर आप वाटर कूल चिलर पे जा रहे तो एंटी सर्ज को आप हमेशा ये चीज मेंशन करिए, एंटी सर्ज सेफ्टी। ये हमारी सिक्स है। और अगर आपको सेवन सेफ्टी याद करनी है, सिक्स बहुत है क्योंकि हमने ही सिक्स ना जाने कितने को बताया, सिक्स के इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर सेवन बहुत ज़्यादा, सेवन, ठीक है, सेवन हो गया आपका PRV, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, तो ये आपकी सेवन सेफ्टी है। ये आप स्क्रू ड्राइवर लगा के माइंड में एक स्क्रू टाइट करके सेफ कर लीजिए। ठीक है, तो ये सेवन सेफ्टी आपको एक्स्ट्रा नहीं बतानी, एक्स्ट्रा बताएंगे आप फंस जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कल के लिए मैं ट्राई करता हूँ, ओके, टाइम निकाल के। ओके, थैंक यू भाई।